तो हाल क्या है गंगा किनारे और वहां की क्या परिस्थिति है, ताजा हालात जानने के लिए हम रुक करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं जहां हम आपको गंगा यमुना के स्वरूप के साथ जल स्तर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय हैं, सरफराज खान बिजनौर से हैं, अनिल कुमार हमारे सहयोगी गाजीपुर से हैं। बिजनौर का रुख करेंगे सरफराज, जिस तरीके से उत्तराखंड का पानी पश्चिमी यूपी में एंटर करता है तो बिजनौर के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ा मुश्किल भरा वक्त है, क्योंकि बारिश हो ना हो लेकिन बाढ़ का असर उनको खूब देखने को मिल रहा है। बिल्कुल इसने लता सही कहा आपने, ये बिजनौर का इलाका है, ये गंगा किनारा का इलाका है और ये मालन नदी, मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखाएं कि किस तरह से जो स्कूली बच्चे हैं वो इस मालन नदी के रास्ते से होकर गुजर रहे हैं और जान जोखिम में डालकर बच्चे जो है ये रोजाना जो है स्कूल अपने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे हालात हैं, लगातार जो पहाड़ों पर बारिश हो रही है उसकी इसका नतीजा है कि लगातार जो इलाके के लोग हैं, लगभग ये रावली और ब्रह्मपुरी का इलाका है, इस इलाके में तकरीबन 3000 के आसपास लोग हैं, काफी परेशान हाल हैं। लगातार पानी बढ़ रहा है गंगा का, जिसकी वजह से लगातार जो इलाके के लोग हैं वो परेशान हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है ग्रामीण, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी क्या नाम है आपका? मेरा विजय। विजय बताएं आप किस गांव में रहते हैं, कैसे हालात हैं पानी के बाद? प्रॉब्लम रहते हैं हम जी, बताएं। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मालन नदी है, यहाँ पे रक्ता पुल है, इसमें समस्या नाव से आना जाना होता है, दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ रहा है। मैं चाहूंगा कि यहाँ पुल का अगर निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सरफराज, हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे, ये बेहद अहम है, लोगों की मांग भी है। और देखिए जब बाढ़ आती है, इस तरीके की मुसीबत आती है तो लोगों को लगता है, उम्मीद भी रहती है कि अगर एक पुल होता, थोड़ी और व्यवस्थाएं होती तो कम से कम छोटे बच्चे तो स्कूल तक पहुंच पाते। देखिए तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी जो हालात हैं, धड़ल्ले से नाव ही चल सकती है, लोगों की आवाजाही का जो जरिया बचा है वो नाव ही है। रोजमर्रा की जिंदगी में नाव से सफर आम हो गया है आम लोगों के लिए, क्योंकि जिन रास्तों को वो तय करते थे सड़क से, वहां कहीं रपटा पुल की कमी है तो कहीं पानी ज्यादा होने की वजह से नाव का ही सहारा लेना पड़ेगा। चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय का, आगरा से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की तस्वीरें हैं आगरा में। नितिन, देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गंगा नदी उफान पर है और ऐसे में 3 से 4 दिन पहले आगरा में या और अन्य कहा जाए शहरों में कालिंदी यमुना भी उफान पर थी, लेकिन थोड़ा पानी डाउन हुआ है। तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा पानी डाउन हुआ है, उसकी वजह से यमुना घाटों पर जो कहा जाए जो पॉल्यूशन है, जो गंदगी है, उसकी वजह से जो बदबू है वो महसूस कर सकते हैं जो लोग यहाँ घाट पर पहुँच रहे हैं। लेकिन अभी भी कहा जाए वाटर लेवल काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है, हालांकि जो खतरे का निशान है 495 लो फ्लड लेवल, उससे यमुना नदी काफ़ी नीचे इस समय उतरी हुई है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। और ऐसे में यही वो समय होता है पूरी साल में जब नदी का वास्तविक स्वरूप नज़र आता है। देखिए एतमादौला मकबरा है, उसके पीछे कल कल करती हुई अविरल और निर्मल ये यमुना अगर देखी जाए तो काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। लेकिन ज़रूरत यह है कि इस तरह का जो नदी का जो स्वरूप है वो पूरी साल रहने की ज़रूरत है। गोकुल बैराज से पानी छोड़ा गया है, उससे पहले हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है और उसके बाद यमुना नदी में जो वाटर लेवल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन अभी पिछले 2 या 3 दिन की बात की जाए तो पानी थोड़ा वाटर लेवल डाउन हुआ है, जिसकी वजह से प्रशासन ने ज़रूर राहत की बात ली है। आगरा के कई सारे ऐसे इलाके हैं जो कहा जाए बिल्कुल तलैटी पर रहते हैं में बसे हुए हैं, जैसे दयालबाग का इलाके में पुया घाट की तरफ चले जाइए या फतेहाबाद की तरफ चले जाइए, वहाँ ज़रूर जैसे ही पानी का वाटर लेवल बढ़ा था प्रशासन ने तमाम जो कहा जाए राजस्व के लोग हैं उनको अलर्ट कर दिया था। इसके साथ ही तमाम जो लेखपाल हैं, जो रेवेन्यू के जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो भी गांव-गांव विजिट करने लगे थे। लेकिन कुल मिला के कहा जाए इस समय की जो स्थिति है वो स्थिति थोड़ी संतोषजनक है, कोई इस तरह का बिल्कुल, यानी कि आगरा में स्थिति डराने वाली नहीं है, खतरे वाली कोई बात नहीं है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं नितिन, उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है। गाजीपुर से अनिल कुमार मेरे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, फ्रेम में लगातार वो दिखाई दे रहे हैं। अनिल, क्या गाजीपुर में स्थिति है, क्योंकि कई जगहों पर तो स्थिति बहुत ही दयनीय है, या इस वक्त में ये विषय इसलिए भी बहुत गंभीर है कि पहले से कोई तैयारी नहीं थी, किसानों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है, लेकिन गाजीपुर में किसानों के लिए क्या राहत है या यहां भी उनके लिए संकट है? लता
आपको बता दें कि गाजीपुर अगर हम बात करें तो गाजीपुर में जो किसान जो है आज दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ पिछले एक महीने से बारिश नहीं होने के चलते सूखा की स्थिति आ गई है, तो दूसरी ओर गंगा विकराल रूप धारण करते हुए लगातार गांव की तरफ बढ़ चुकी है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये गंगा नदी है, और इसी गंगा नदी में अगर कुछ दूर की बात करें तो यहाँ पर टीले दिखाई देते थे, बालू के टीले हुआ करते थे, लेकिन जो एक सप्ताह से पानी बढ़ना शुरू किया है वो लगातार बढ़ता गया है। लेकिन कल रात से ही एक राहत भरी खबर है कि गाजीपुर में जो गंगा स्थिर हो चुकी है, और वही आज सुबह से जो है गंगा जो है अब घटना शुरू कर दी है। हमारे साथ जो है ये पोस्ता घाट के पुजारी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर गंगा की स्थिति पिछले एक हफ्ता पहले क्या थी और अब क्या है। पोस्ता घाट के पुजारी कन्हैया पांडे बोल रहे हैं, गंगा में एक हफ्ता पहले पानी बढ़ा, एक बैग बढ़ा, फिर रुक गया, कुछ दिन रुकने के बाद फिर शुरू हो गया पानी, और तीन चार दिन के अंदर पानी काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है और अब पानी स्थिर है। अब माँ से यही प्रार्थना है कि माँ अपना जो महात्मा है उसको कम करें, क्योंकि तो सारे लोग बहुत दूषित हो जाएंगे, किसान बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बारिश नहीं हो रहा है और इधर गंगा माँ बढ़ रही है, इसलिए किसान बहुत चिंतित में है। जो भी बचा है वो भी माँ गंगा में चला जाएगा। जी इसने लगा बता दें कि जिस तरीके से यहाँ गंगा बढ़ रही थी, गाजीपुर से लगभग 100 गांव जो है प्रभावित हो चुके थे। बिल्कुल अनिल, आपके पीछे तस्वीरें बखूबी बयां कर रही हैं, लेकिन अब यही प्रार्थना ही की जा सकती है गंगा माँ से कि अब उनका जल स्तर स्थिर हो जाए या फिर कम हो जाए, लोग थोड़ी राहत की सांस लें। हमारे तमाम सहयोगियों का शुक्रिया जिन्होंने तस्वीरें दिखाई, जानकारी दी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।